हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिशन में। दोस्तों, आज आप जान पाएंगे कि ट्रस्ट वॉलेट से हम BUSD को स्मार्ट चेन में कैसे कन्वर्ट करें, जिसको हम BNB कहते हैं, और BNB को बजीरेक्स की सहायता से हम अपने बैंक में INR में विड्रॉल कैसे ले सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो दोस्तों बने रहिए। और आपको यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। ओके, तो आइए चलते हैं लाइव हमारे मोबाइल पर। तो आइए सबसे पहले अपन चलते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट पर, और आप देख रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट में BUSD स्मार्ट चेन दोनों हैं। यहाँ अपन चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन ये करना क्या है कि सबसे पहले BUSD को स्मार्ट चेन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा BUSD और BNB, ये दोनों को अपन ले लेंगे। लेने के बाद में इसको 100% करेंगे, जितना आपको चेंज करना है। इसके बाद आपको इसको स्वैप करना है, और जैसे ही आप स्वैप करेंगे, स्वैप करते ही ये अपना कंफर्मेशन मांगेगा, इसको सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद प्रोसेसिंग करेगा ये अपना, और प्रोसेसिंग करने के बाद में आप ओके करके इससे अलग हट सकते हैं। अब ये अपन ने करना क्या है, बाइनेंस में जाएंगे, और बाइनेंस में जाने के बाद हम वॉलेट पे क्लिक करेंगे। पहले हम वॉलेट में जाएंगे, वॉलेट पे जैसे क्लिक किए आएंगे और स्पॉट पे जैसे क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपन BNB को सर्च करेंगे। BNB सर्च करने के बाद में इसमें हम BEP20 को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस एड्रेस को। और इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद फिर हम वापस चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। यहाँ ट्रस्ट वॉलेट में जो स्मार्ट चेन है इस पर क्लिक करेंगे। स्मार्ट चेन पे क्लिक करने के बाद में ओके, ये हाँ स्मार्ट चेन पे अपन आ गए। यहाँ पे जो अपन ने एड्रेस कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे और मैक्स कर देंगे, तो इसमें पूरा बैलेंस जो भी है वो आपका दिखाई देने लगेगा। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ जो फीस लगेगी वो लगने के बाद सेंड कर देंगे। तो ये देखिए सेंड हो रहा है, 1-2 सेकंड जो भी लगते हैं वो सेंड हो जाएगा, और ये देखिए सेंड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया है, अपन अब वापस चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे वॉलेट अपना खाली हो चुका है ट्रस्ट वॉलेट। अब वापस बाइनेंस पे चलते हैं, बाइनेंस पे जाके देखेंगे हमारा बैलेंस पहुँचा या नहीं पहुँचा, और पहुँच चुका होगा ये हम देख रहे हैं। वापस ये देखिए हमारा बैलेंस आ चुका है BNB के रूप में, ठीक है, 0.061। ये अब इसको अपन ट्रांसफ़र करेंगे सर। ट्रांसफ़र के लिए अपन ट्रांसफ़र ऑप्शन में जाएंगे, और P2P वॉलेट है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में अपने को कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि अपने को BGRX पे क्लिक करना है। BGRX पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद BNB सिलेक्ट करना है अपने को, BTC की जगह BNB को सर्च करके BNB सिलेक्ट कर देंगे। अब अमाउंट की बारी आती है तो यहाँ अपन मैक्स पे क्लिक कर देंगे तो पूरा अपना आ जाता है राशि। अब इसके बाद ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहेंगे, जो OTP वगैरह आई वो आपको इस पर सबमिट करना है। इसके बाद अपन देखेंगे BNB यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा BGRX पे। ये देखिए खाली हो चुका है अपना BNB, चला गया है BGRX पे। अब अपन BGRX में जाके देखते हैं, ठीक है। BGRX में जैसे हमने देखा, ये देखिए BNB करके आ गया है अपना, BTT के बाद BNB है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है अपना। अब इनको अपने को सेल करना है, तो सेल करने के लिए क्या, हम BNB पे सर्च करेंगे। BNB पे सर्च करने के बाद में यहाँ INR वाले को सर्च करना है, INR करके उसको अपन सेल करेंगे BNB को INR में। और ये अपन बाय है, अब सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे ये क्लिक कर दिया, और यहाँ पे अपन ने 100% कर दिया, तो ये पूरा BNB जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर अपने को
सेल पे क्लिक करना है, जो भी इसका रेट चल रहा है उसके अनुसार ये सेल हो जाएगा। ये अपन ने सेल पे क्लिक किया और ये कम्प्लीटली हो गया। और वापस अब अपने को यहाँ से माय उस पे जाके देखेंगे सर। यहाँ देखिए 100% हो चुका है, मतलब अपना पूरा BNB सेल हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, अपन फंड पे जाके देखेंगे फ़ंड में क्या हमारा जो पैसा है वो दिख रहा है क्या। ये देखिए INR में दिख रहा है हमारा 1408, और ये देखिए BNB यहाँ नहीं है हमारा, वो सेल हो चुका है जी। दोस्तों तो आपने जैसा कि देखा पूरा प्रोसेस करने के बाद में, अब हमारा जो INR है वो हम बैंक में कैसे ले जाएंगे, विड्रॉल कैसे कर पाएंगे, इसके लिए हमारा पहले से वीडियो तैयार है, वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप अलग से भी उस वीडियो को वहां देख सकते हैं। अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।